गुब्बारा वो रैलिया मन टंगे अगर वो ऊंचा हन उसको डोरी ही बांध दो गैस भर है अरे जब डोरी काट दे तो उठ गया। एक गणा गरीब मानस था साताए था उनके चार छोरी थी उन छोरी ब्याणी थी पीछे जुगाड़ की तो हो ही नहीं था वो गुब्बारा हा दिख गया। उन्हें सोचा क्यों तो सुधर राम दो रजा से उठता क्यों तू भगवान ने चिट्ठी लिख दी। उन्हें एक चिट्ठी लिखी भगवान जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ स्वरूप सिंह मेरा नाम है मेरा चार छोरी है मेरा कमाई कुछ नहीं सब बड्डी छोरी का ब्याज है भगवान जी लाख रुपये भेज दे जरूर है जरूर। और चिट्ठी बांध कर गुब्बारा छोड़ दिया शूंद ही उठ गया वो तो हो गया फरी। अगले भाई भगवान द्वारा पहुंच अगर भगवान सबकी सुने से वो उड़ता रहा इतना उड़ता रहा वह गैसी लकड़ गई वो जाके एक थाने में पड़ गया। हूँ दरोगा जी ने देखा के पड़े हम चिट्ठी लिख रखी वो एस एच ओ ने पढ़ी ने बोला यार कितना सादा भोला मानस सर गरीब आदमी से भाई एक तो छोरी क्या ब्यास यार मदद करो सारे थाने ने पुलिस वाले ने किसी ने एक तनखा दी किसी ने आज दी दी किसी ने हजार दो हजार बात याद है 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए। उन्हें एक वो सपाटा भेज दिया ने बोला जा भाई दरोगा जी तू ये 50,000 रुपये स्वरूप संघ ने दे के आ पता उस पर लिखे रखा था ओ उड़ती मनु का नहीं पहुंचा ने बोला कौन है स्वरूप सिंह ने बोला जी मैं हूं ने बोला ले भाई यात्री चिट्ठी ले और ये 50,000 रुपये ले रुपये गिने पहले तो और 50,000 चुचकार के ने बोला हे परमात्मा हे भगवान तू के फर्क रख था तू तो सबकी दया करे है तन्ना तो पूरे लाख भेजे होंगे महकमा खराब साहब ध्यान खा गया। गुरु जी को मेरा बार बार प्रणाम हरिओम। माँ गुरु जी मैं माशे पाले राम जी एक्सपायर हो गए पीछे माँ गुरु जी तो मिले गुरु जी का ढीला ढीला मुँह पाया माँ गुरु जी के बात है निबला सारे साथी गए माँ ठीक कहो सो जी मनु का अगर थे हम छोटे छोटे थे अग भाई लोगों द्वारा सुनते भाई बढ़िया देशी रागनी करानी किसने बुलावा मनु कहते भाई मास्टर पाले और रणबीर ये नाम आया करते कौन यू कहते भाई फिल्मी फिल्मी हो थोड़ा हम मनोरंजन जवाना का हो किसने बुलावा तो लोग न्यू कहते भाई राजेंद्र रणबीर और सुनील मैं कहा एक रणबीर नाम में छोटा ऐसा सुन लग गया था न्यू नवी लागू हो जाए था न्यू नवी लागू हो जाए था और मैं कहा भी नहीं बोला भाई मास्टर जी भी ना रहे पाल्य भी ना रहा सुनील भी राम ने प्यारा हो गया पर राजेंद्र भी नहीं रहा मार्केट में नहीं दिखता बोले वाह कहानी बन रही है वहाँ कौन सी एक अपने मौसा का बेरा लेने से लिया गया पीजीआई में एडमिट था वो भीतर बढ़िया उसका 9 नंबर बेड बोला उसका मौसा उकड़ू बैठा वो जाके ने बोला मौसा राम राम ने बोला भाई बोल मत मौसा के बात से क्यों कर दुखी सा हो रहा है बोला दुखी न्यू ला लिया चणिया में बैठा हूँ बोला चणिया में क्यों बैठा है बोला परसों 8 नंबर वाला मरिया था कल 10 वाला मर गया कोट पर भी नंबर आ सके मेरा 9 नंबर बेड थे बीच में तो गुरु जी तो रंग ले जाओ 9 नंबर बैठ है। हेलो और देखिए भाई न्यो कहता कि मुंडा मुंह कर रहा भाई साथी कोई जाता है तो दर्द आवे है भाई और ये मेरे से बड़े जरूर थे मास्टर जी पाले राम जी लेकिन मेरा एक भाग्य ला लो कि मेरे से सारी बात बतला लिया करता मेरे से कोई इस तरह की बात नहीं रखा करते बड़ा लाड प्यार था उनका वो प्यार किया करते और हर तरह से डब्बी से थे मेरे वो बड्डे बेशक थे तो भाई क्या करें ये समय की बात है जिसका के भाई त्रिजीवन रेलगाड़ी इसका स्टेशन आओगा भाई जिसका स्टेशन आता रहेगा उतरता रहेगा गाड़ी चलती रहेगी पता नहीं किस समय किसका बुलावा आ जाइए तो चलो परमात्मा के दिन बात है आप बतला रहा हूँ जो कर कहोगे नहीं करेंगे मैं हूँ बतला रहा हूँ भाई यदि अब बतलाड़ भी ना जाओ अन्य क्यों करो यार आप मैं तो वो बतला रहा हूँ तू मेरी गल वो करे है वो एक कुत्ते ने पाड़ लिया और वो डब्बी ने बेरा ला क्या दोस्त थे तो उसने सोची चल तू बेरा लिया ये वो लाल हो रहा कुत्ते ने पाड़ रखा जाके तो बुला भाई न्यू सुनिए कुत्ते ने पाड़ लिया बोले हाँ पाड़ लिया अरे बोला जाए आराम जाते मेरा कुत्ता था यार मेरे पे छो मारा तो भाई
मैं बजाय कोई ना बोलता मैंने। अभी भाई विकास ने बताया और महाराज जियो ने जात बचाई पलोसाड़ा की, क्योंकि मैं एक भाई साहब बताया का देखा गया, लेकिन बाबा जी ने तरस आया, वह किस्त पूरी कर दी उनकी पूरी बता दी। और ये खास बात है, बेल्ट की दो नौकरी है, पुलिस की और फौज की, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है, सारे तो एक से नहीं होया करते, खासकर पुलिस वाला का तो ऐसा काम है, तड़के आदमी सुता उठेगा और पुलिस वाले के दर्शन होते माथे में हाथ मारेगा त्री मारेगा सारा दिन बिराने के ऊपर बीतेगा भाई, पुलिस के दर्शन हो गए। और इसके अपोजिट दूसरा बेल्ट की नौकरी फौज की, फौजी चाहे अपने घर कुंडे का ना हो, अपने गांव का ना हो, चाहे अपने स्टेट का भी ना हो, दूसरे स्टेट का हो, फौजी ड्रेस में हो, कंधा बिस्तरा हो, कितने भी दिख जाओ आत्मा ने शांति मिलेगी भाई, फौजी है, महात्मा का सपूत है, सच्चा सिपाही है, इतना फर्क है इनके। लेकिन कई भाई फौजी भी जीसा ले ले अपना उड़े, वो एक भाई फौजी सुबह सुबह उठा और नहा धो के वर्दी गाड़ के और जाके अपने साफ द्वारा सलूट मारी जैन जनाब, कहलेगा हाँ भाई जवान बेला जी घर तबेरा आया है, एक महीने की छुट्टी चाहिए, घर वाली सख्त बीमार है, साहब कहलेगा नहीं भाई सब की छुट्टी कैंसिल कर दी, जिनसे जा रहे थे उनने भी उल्टे बलान लाग रहे हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी से पता लगे भाई दुश्मन किसे टाइम भी अटैक कर सके, नुबला ना जी छुट्टी तो देनी पड़ेगी, नुबला ना छुट्टी नहीं मिलेगी, बोला साहब महीने की नहीं तो 20 दिन की तो दे दो, जय घर वाली मरगी तो बॉर्डर बॉर्डर रह जाएगा मेरे द्वारा, फिर कुछ ना जद कर ली फौजी ने। फिर वो साहब कह लगा भाई पहले मैं इंक्वायरी करूंगा, वाक्य में तेरी घराली बीमार हुई तो 10 दिन की छुट्टी मिलेंगी, मैंने बोला जी ठीक से इंक्वायरी कर लो मंजूर है, न्यू कह कर वो अपना फिर बैरक में आ गया, खाकर रोटी पानी सो गया, तड़के नहाया धोया वर्दी गाड़ी बड़ा राजी हो रहा, अकबर जानते साहब फिर छुट्टी दे देगा, फिर सलूट मारी जाके जय हिंद जनाब, कहेगा भाजवान बेला जी कल आया था आपके पास और आप कहो थे इंक्वायरी करूंगा और छुट्टी चाहिए जी घराली बीमार है, बोला रे अच्छा अच्छा तू तो बोला बहुत झूठा, बोला जी क्यों क्यों क्या बोला मैंने तेरे घर फोन कराया, बोला जी फिर के फोन उठाया तेरे घराली ने, बोला जी अच्छा और मैंने कहा जी इस तरह जवान हर नुके है घराली बीमार है, बोला जी फिर के मैंने पूछा वक्त लगी मारा थे जी बोला घर में कोई बीमार नहीं, अरे बोला गर्म के पड़ोस में गांव में भी कोई बीमार नहीं, अरे बोला छुट्टी ना दे दियो इसने सारे कुंडे ने डंडा दे रखे तंग रखे, अरे भाजिया बोला तेरी छुट्टी कैंसिल, इब शर्म आ रहा फौजी ने, बोला साहब झूठे तो बहुत देखे थे फिर तेरे तो बड़ा झूठा नहीं देखा, बोला क्यों क्योंकि बोला जब मेरा ब्याह ना हो रहा बात तेरे तेरी बुआ तक कर ली, तो इतना फर्क है फौजी बेचारे साल दो साल में इनका नंबर पड़े ओड़े अपने रंग ठाठ ले हैं, लेकिन भारतमा के सच्चे सिपाही हैं, सिपाही तो महाराणे भी सिपाही है सारे एक से निवा करते, लेकिन इतना फर्क है। और नूठा रखे सर नक दे क्या महाराज जी, तो मैं 100 रुपए से मान सम्मान किया है और महाराज जी तो रकम में दे दिया, ईब कहते बेगन करके दे दिया बाबा बढ़िया लग गई मतलब हम तो थारी सेवा मरे रंगकाट की सुना दो भाई नरेंद्र और विकास सस्ती बन गई गणखरे लाग के ना मुंह पाड़ नहीं पाया टेम हो रहा है हो रहा मुंह पाड़न का। हाँ देखो सुस्ती आ गई, इतने भाई बैठे आप लोगों ने बेरा है या नींद कौन थी भाई, नींद कौन थी मैं बताता हूं, नींद थी कुंभकर्ण की बहू, जब श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को मारा तो नींद रोई बिलाप करने लगी, हे महाराज हे प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया मैं कह रहा हूं
मैं कैसे रहूंगी, मैं भी मरूंगी कि नहीं देवी, आपको जीना पड़ेगा। अगर रहूं किते तेरी मर्जी, तू जड़े रहना चाहे पक्की बात एक तथास्तु। तेने बोली दे भगवान ने, न्यू सोच लो जड़े आपका भजन कीर्तन होगा ना, आपका लचकरा चल लगा उड़म मन सा ना सुनो नहीं दूंगी सवा दूंगी। तईब न्यू देख लिया जिस लजम आई आवन लाएगी सस्ती आएगी, तो न्यू सोच लिया उसमें कुंभकर्ण की बहु बड़न लाग रही है। वो लाला जी के रुपये राख लिए चौधरी साहब ने, लाख रुपये थे। अच्छा, अरे वो लाला जी मांगण जा, अरे चौधरी साहब नहीं सोचे कि बेटी का बड़ा पंगा होया भाई के बने, गर्मी खरसा मका टेम और रोला है करके बाज का कुएं में कूद गया। सारा गांव ने बोला रणशंख कूद गया रे, रणशंख के बात नहीं बोला मरूंगा क्यों मरेगा ने बोला लाला जी भाई पीछे मांगा से भाई मार तो मरते नहीं भाई मरांगे आंख मिलाने के नहीं रहे ने बोला दे भाई लाला जी मानस नहीं मरया मरता देखा जाएगा तू भाई के मैं माफ कर दे पंचायत ना दे माफ करा दिए ने बोला रणशंख 50,000 दे देगा ने बोला दे दूंगा बाहर काट लिया ने बोला दे भाई लाला जी 50,000 दे देगा जागा ओका भर लिया फरसी ओका मन ठाठतर है लाला जी जब भी जागा आला देने लग गया बोले बाहर हो क्यों 2-4 महीने लकड़ के टाइम मांग लिया इतना जाडे आ गए जाडे में बोले साहब ने लाला जी बारो ने बोला धमकाओ भी से ने बोला धमकाओ के मार गिर हूं ने बोला मेरे पीछे दे ने बोला देख तो दे दिया देख अगले खरसा में फिर दे दूंगा भाई जिसका जितना दिमाग सन वो उड़ेता ही बरतेगा। गुरुजी ने किस्सा कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता का, रणबीर हुड्डा का। और जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम था ने बोले जी तो अपने पिताजी का किस्सा बनवा लियो रागनी करवा लियो गा देगा दादा रणबीर। बोले लिखेगा कौन, बोले लिख देगा दादा जगन्नाथ ही बतो हाजिर है। और वे शमशान चली गई पूरी टीम ने बोले दादा सीएम साहब के बापू का किस्सा बना दे रणबीर सिंह हुड्डा का। हाँ ने बोले भाई बना देंगे बताओ। वे स्क्रिप्ट समझाने लगे इब हुड्डा साहब के दादा का नाम मातू राम। वो नहीं बोला दादा किस्सा शुरू मातू राम तो होना चाहिए। दादा तो रत वे तमा खुतमो खु पीणी आया करते बैठे बैठे शकल्ट भर रहे। अरवे नहीं बोला दादा किस्सा मातू राम तो शुरू होना चाहिए। वो भरता भरता नहीं लगते दादा मातू राम का जरूर बनाइए, वो तो बहुत बढ़िया जलेबी बना करता गुआने में। बोल सतगुरु रे भगवान की। तो भाई जिसका जितना दिमाग वो उड़े ता ही जागा ने बोला राम घोरी है मातू राम जलेबी वाले का जिक्र है, ये सीएम साहब के दादाजी का जिक्र है। मगा जी जिसका जितना दिमाग से उड़े ता ही जागा। ए मेरे यार न्यू क्या कर रहता हूं तू, एक ला यार एक लेगी तेरी को कुर्मा नमो सारे नेकल लग रहे अरे मैं नेकल ला आ तेरा बाबू दे नेरी नेरी के तू न्यू के दोनों अन कठे करे घरा बतला दे लो आ बोला रे खाट दे दे बोला को न दे बोला क्यों अगर दो खाट संभाई कोने दे दो खाट से एक पे मेरी मार मेरी बहू सो जा एक पे मर मेरा बाबू सो जा बोले रे खाट ने अपनी बांध गुडाई दियो चाहे मत दियो पर सोना तो सीखो ते मेरे लाडले बतला दे लो करा तका जमगढ़ बड़ो हो जा सो फौजी छुट्टी आ रहा था वो गाल में बैठ जा क्यों सरकार जब छोटे जब गण खराए बरत ले फिर सरकार रिटायर कर रहे थे वो गाल में बैठे दोनाली बैठक में टांगे रे गाल में घाट घाने रे रोका भर ले गांव का मानस दिखते हैं भोजन का नाम लाजवंती ने कहा लाजवंती बाप इतर तक रहने को यस सर बोले गर्मा गर्म सा है गाल मान दे लोगों ने सुना हुए वे आगे ने लेकर जाए 2-4 और दिख जाए लाजवंती आसाम वाली गर्मा गर्म सा है गाल मान दे उन्हें 2-3-4 बार भेज ली बेचारी ने फेर रुका मारे लाजवंती बिल्कुल गर्म चाय गाड़ में भेज देनी वाली भेजी धीर कह वह भेज ली क्या वो कोई चाय है वो तो बाहर तक आती है इतना ठंडी हो जाती है बोला अच्छा कति गर्म चाय है गर्मा गर्म भेज नहीं बोली फिर तू भी तेरे आ जा ले तेरे मुंह में छाने दूं देखो ये फोन और डाल का भी काम करवावे एक भाई घर से चला गया अरे घर से चला गया उसने जाके काम याद आ गया कि फोन कर ले फोन करया कर अरे बीरबानी ने ठा लिया बीरबानी ठा के बोली हेलो ओ बोला हेलो क्या कर रही है बोली कपड़े उतार रही हूं बोले कपड़े अखा क्यों
क्या बीमारी है? अखी यो आ रहा है अरे बोला राम जादी ठीक बोल के करा के ठीक बोलू कपड़े उतार रही हूं यो आ रहा है अब कौन अकबंदर वो अगला संशय में पड़ गया तेरी भेब बेग दे दियो के त्यौहार होने लग गया ते फोन तो भाई इन ते बच्चो हाँ सत्रह सत्रह एक दीपक बर्त्या करो सारी अनपढ़ का मत दे रखा करो आख्या की कमजोरी बने हैं अरे भाई पुराना हो पास बूढ़ा हो पास देखे मानस की अमड़ी ही घट जाए थे पैदा हो सके तो समा भीतरले कोठे में हो सब बेल भी गेर दे आगे बाढ़ दे लत्ते झाड़ के जाइए फेट हो जाएगी जमा सुरक्षित जगह अर्जुन जो जवान हो सब फिर ऊंचू बारे मांग खेल कूद कर जो जो बूढ़ा हो सब बारे बैठक में फिक्स बैठक तक एक नाली सर फिर काले से कुछ नहीं है उड़ा बैठा रहा चे डाठा मार लिया चे सुनिए जा मड़ी मड़ी नाली आली होली 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 ता आधुनिक जमाना होली है होली बुड्ढे की बैठक है और बैठक की जड़ मग गैलरी का ढम मलंग हम मालजा पन्नी में भर भर बुड्ढे ना करड़ करड़ सुनो से नहीं बेरा है नहीं पन्नी भीतर के शहर के नहीं है वह करड़ करड़ सुनो सब गया अपन वाले के बुढ़ियाली बैठक में बड़ा जो मुंह गजाले है लागू हम कहा कई दिन में बढ़िया था कोई ना कोई भाई नहीं हुआ जाले बने के माँ दूर तो दूर सक्रांत थीर वो बुढ़ा बैठक में था ज्यादा बड़ा कसाई मड़ी ठीक करो आवाज उसी है जिसी पहले जी हेलो खोल थोड़ी ज्यादा बड़ा कसाई धुंध पड़ रही होगी पोती आ रही ने हलवा बना रखे ने बोली ए माँ मड़ा एक कटोरे में हलवा गाल दे मैं दा धन राम राम कर आऊ कटोरे में हलवा गलवा करवा पड़ी अरे बुढ़ा बैठा दिखा भी घाट उसकी साथड़ पर कटोरा धर दिया निबली दादा राम राम ओ नवा नवा हलवा निबली ए कौन सी है निबली मैं थी दादा नानी ये नानी जिंदी रो बुणी रो के ले आई दादा हलवा है उन्हें गोला हा बना के खाया मीठा मीठा नवा नवाया स्वाद लग गया निबला ये नानी के स्वाद हलवा इस हलवा बना रख्या ये नानी हलवा बना रख्या के आ रहा है निबली दादा के आ रहा है सक्रांत आ रही है एक गोला और खा के आसन लग गया निबले ए नानी आज आज आई है कोई दिन ठहरेगी अरे हरियाणा भाई इनके कसुटा काम है हजरत बाबी दे इनके नस नस में किसे न छेड़ लो बुढ़िया न छेड़ लो बालक न छेड़ लो लोगाई न छेड़ लो हजरत बाबी का जब त्यार पाव है और दिमाग भी कितना का जकरा हो कितना पद पहुंच जाए बेवानी खड़ा बूढ़ा बस स्टैंड पे एक छोरा आने के बोला ताऊ बोला हाँ भाई बोला मैं माली आली बोला मैं माली आली बोले और उसका तो छोरा भी हो लिया भाई तो इनके दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चलते हैं हरियाणा प्रदेश ऐसा है हो जा लेकर दादा ही सब पैदा हो जा धरती पे मरण मर जा राम का ना आवे ना मुंह पे उन्हें कितना ही समझा लो एक बुढ़ा जन्म लिया जब तक बुढ़ा हो गया खोजे खोजे नरे कोकरम करे राम का नाम जबान बाण नहीं दिया ईशत मौका से दिया बीमार हो गया खाट मन पड़ा इनके था ना आखिर में खाट नाली दोहरा जा है नाली रे जहर गाड़ रे जहर कुछ नहीं रे जाता तो उड़े खाट में पड़ा पड़ा कर रहा अब कम बोलना हो गया खाना पीना छूट गया क्या करे ना भाई इसका तो कोटा पूरा हो गया अब दम ना लकड़े सांस ना लकड़े कुणबा बहुत तंग होया तंग हो गए एक पड़ोसी आन के बोला के बात है बोला दादा के बताओ है मेरे बाबू का सांस नहीं लकड़ता मेरा नक्की तो टकर है ने बोला भाई एक काम करो इस तरह राम का नाम लेवा दो इसका पिंड छूट जाएगा बोले रोड़ा है तो ही हो सकता था राम का इना तो ना लेता बोले एक जतन में बताऊं तुमने के बोले वो थारा भरपाई नहीं है छोरी आखा वो बह रखी उस पटियाऊ का नाम हरिओम है बोले हाँ दादा बोले उसने बुला लो श्यामी खड़ा कर दो इस तो पूछ ले यो कौन है यो कह देगा बेटे हरिओम राम का ना लिया जाएगा इसका पिंड छूट जाएगा बोले ओ दादा याद बड़ी बात बताई मारा फोन है बेबे पर पाई ए बेबे रोटी खाती हो तो पानी आ रहे पिए ए बेटे उन्हें लेकर टापड़िया
ई सवारी होए रही है घर घर वो भरपाई दे सर तेरी उस बनड़े ने लेकर आई खड़ी हुई अरे बाबू की छे रे बाबू की छे ए तू उल्टी हथे ने बाबू की छे बाबू की ईसना के करे रियो मने ई वो जड़ में लेके अर्जड़ में खड़ा कर लिया बोले बाबू ओ बाबू घर्रे बोले भरी बोले के है ओ बोले न्यू मत बोले इतना नरमाले आखिरी टाइम चाल यात्रा यो कौन है इसने पहचाने है ये सोचन न्यू थे अगर न्यू का क्या बच्चे हुए योम है ऐले राम का ना लिया था पंडित छुड़ा प्रचलित था ना क्या न राम का ना जमु पे बोले बाबू पहचाना यो कौन है कौन है दरकारा क्या बोले यो अखा बोले यो हथरी पे बेगा लोग राम का ना फिर भी नहीं लिया तेगा दा ईसा भी पैदा हो जाए भाई बस बाबा छोटू नाथ महाराज की